चलो वेबसाइट चालू करो, चलो अपनी आओ। अब फ्रंट एंड पे आ जाओ, फ्रंट एंड पे नहीं हो गया, होम पेज पे। हाँ होम पेज पे। हाँ अब आपको यहाँ पे दिख रहे हैं प्रोडक्ट, नीचे नीचे आओ, ये दिख रहे हैं, ये सब हम डायनेमिक करने वाले हैं आप। ठीक है, अब मैं ये प्रोडक्ट यहाँ पे दिखा, वो कैसे दिखाने होंगे, आप डायनेमिकली दिखाने होंगे यहाँ पे सारा कुछ। ठीक है, हमें यहाँ पे सारा कुछ डायनेमिक दिखाना होगा। तो रेडी आज आप लोग प्रैक्टिस वाले फोल्डर पर, आप लोग प्रैक्टिस तो कर रहे हैं ना सब लोग। तो चलो अब मैं कहाँ चलना होगा, फ्रंट कंट्रोल पे चलना पड़ेगा। माइक बंद कर लो, किसी को माइक बंद, अभी इतनी कराया, अभी स्टार्ट हो रहा है। फ्रंट कंट्रोलर पे डेटा शो करा रहे हैं, फ्रंट पे डेटा शो कराने वाले हैं अपन। अब आ जाने, आओ। तो अब हमें डेटा शो कराना है कहां पर, फ्रंट पे, यहाँ पे दिख रहे हैं हम लोगों को, यहाँ पे डेटा उठ के आएगा डायनेमिक। अब तो हम चलते हैं पहले फ्रंट कंट्रोलर पर, आ जाओ फ्रंट कंट्रोलर पर, सब लोग आ जाए फ्रंट कंट्रोलर पे आ जाओ। चलो फ्रंट कंट्रोलर, सब लोग फ्रंट कंट्रोलर पे आ जाओ। और दिख रहा है होम, सबको दिख रहा है यहाँ पे होम, ये तो चल रहा है बाय डिफॉल्ट होम पेज फ्रंट पे। ठीक है, तो ऊपर लाइन नंबर एक पे चलो, डेटा लेके आना डेटा बेस से हमें, तो लाइन नंबर एक पे ऊपर आओ, उसी में रिक्वायर करो ब्लॉक मॉडल को, डेटा में उठाना है डिस्प्ले कराना है डेटा सिंपल, तो देखो ब्लॉक मॉडल रिक्वायर कैप्टन हो, कैप्टन में इक्वल रिक्वायर फंक्शन का साइन, और उसके अंदर देखो डॉट डॉट स्लैश सिंगल कोट्स डॉट डॉट स्लैश स्लैश देखो डॉट डॉट स्लैश अपने आप आ जाएगा, लिखो मॉडल्स सिंगल कोट तो लगा लो, प्रैक्टिस नहीं करते, थोड़े फॉन्ट साइज बड़े कर लो सबको दिख जाए, वो आगे मॉडल्स स्लैश ब्लॉक, थोड़े फॉन्ट साइज बड़े कर लेना ना सेटिंग में जाके, चलो ठीक है, दिख रहा होगा सबको। चलो अब आओ लाइन नंबर सिक्स के नीचे, सिक्स के नीचे क्या करते हैं हम, यहाँ पे कॉन्स्टेंट डेटा एंटर दो, कॉन्स्टेंट डेटा इक्वल अवेट ब्लॉक मॉडल डॉट फाइंड, ब्लॉक मॉडल कैपिटल में, ब्लॉक मॉडल डॉट फाइंड फंक्शन का साइन डॉट फाइंड, और आसिंक लगा लो पहले, आसिंक और फंक्शन का साइन, फंक्शन लगा लो पहले, अरे रुको पहले फंक्शन तो लगा लो, उसको कंप्लीट कर लो, और ऊपर रिक्वायर ऊपर दिखा लाइन नंबर सिक्स में होम इक्वल के बाद आसिंक लिख दो, होम इक्वल के बाद आसिंक, तभी तो अवेट काम करेगा। ठीक है, थोड़ा फ़ॉन्ट से बड़े कर दिख जाए इनको अच्छे से, थोड़ा जूम कर देना बस। ठीक है, चलो कंसोल कर लो पहले, कंसोल डॉट लॉग में लिखो डेटा, और देखो डेटा डॉट क्या आया कि नहीं आया, पहले ब्लॉक को कंसोल डॉट लॉग करो, कंसोल डॉट लॉग डेटा सेव करो, सेव करो, जाके रिफ्रेश करो होम पेज को, वहां पर जाके चेक करो कंसोल में वीएस कोड पे, ये देखो डेटा डॉट क्या आ गया, पूरा सबको दिख रहा है डेटा डॉट क्या आ गया, देखो पूरा, ये आप लोग भी चेक करें, आप लोग भी चेक करो इसको, इतना चेक करो कंसोल में डेटा क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले ऊपर दिखा दो, ऊपर से दिखा दो, ऊपर से रिक्वायर कर सकें लोग, पहले ऊपर रिक्वायर कर लेना, पहले ऊपर आप लोग रिक्वायर कर लो उसको, डेटा चेक करो कंसोल होम पेज पे। हाँ अब सब देखो, पहले हमने क्या किया था, इससे पहले उस चलना फ्रंट कंट्रोल, चलना फ्रंट कंट्रोलर पे, फ्रंट कंट्रोल पे जाओ, देखो कंसोल डेटा आउट क्या आ गया हमारा, फिर हमने क्या किया डेटा को पहुंचा दिया एंटर करके, दिख रहा है ना सबको, डी डॉट डी कोलन डेटा कर दिया,
इससे डेटा हमारा कहां पहुंच जाएगा, वहां पहुंच जाएगा, कहां पर, होम वाले पे। अब होम वाले पे शो कैसे कराना है, तो होम वाले पे आ जाना, होम वाले पे जो ब्लॉक दिख रहे थे ना वो हमने सारे हटा दिए, ठीक है, बस एक छोड़ दिया। ओके, हमें यहाँ पे क्या लगाना होगा, फॉर ईच, पता है ना सबको, चलो लगाओ, लेस देन परसेंट, पता होगा कैसे लगाते हैं, अब तो भूल गए सब, गरम है। लेस देन परसेंट लगाओ, खुशी लगाते जाओ, आइटम ले दो, आइटम आइटम मान ले दो, आइटम इक्वल बाहर उसके इक्वल वही, हाँ नहीं सॉरी, एरो एरो फंक्शन आएगा ना, एरो फंक्शन आता है, इक्वल एरो, एरो लगाओ और कर्ली ब्रैकेट्स लगा दो, एंटर दे दो, बस बंद कर दो यहाँ पे, और वो नीचे बंद कर लो बस, या नीचे बंद कर लो, हो गया खेल यहाँ पे भाई, कर्ली ब्रैकेट्स और ब्रैकेट और बंद बंद कर लो, और चेक कर लो पहले परसेंट ग्रेटर देन, और चेक कर लो पहले इतना सही चला नहीं चला, जाके वेबसाइट देखो, सही आ गया हो तो ब्लॉक आ जाएंगे सामने तुम्हारे। अच्छा, एक ही ब्लॉक इंसर्ट है क्या, एक ही इंसर्ट है क्या ब्रैकेट में, देखो एक ब्लॉक पे, तो एक और कर लो, एक और कर लो, एक और कर लो, ऐसे कर लो, चलो काफी, इतने काफी हैं, चलो इतने काफी है। देखो वहां पे तीन दिख रहे हैं, यहाँ पे देखो फ्रंट पे, फ्रंट पे जाकर देखो तीन दिख रहे हैं, देखो सब लोग दिख रहे हैं तीन यहाँ पे, देखो सब लोग, तो इसका मतलब हमारा लूप से ही काम कर गया। अब डेटा शो करा देते हैं, आओ ये तो आप लोग कर चुके हो, कई बार प्रैक्टिस की होगी, आओ कोर्स खोलो, डिप को खोलो, डिप को ओपन करो, और जहाँ पे इमेज, इमेज चेंज करो पहले, इमेज चेंज करो, हटा दो कोड पूरा, लेस देन परसेंट इक्वल लगाओ, लेस देन परसेंट इक्वल के अंदर लिखो आइटम डॉट इमेज, इक्वल साथ में आएगा आइटम डॉट इमेज, परसेंट बंद करके देखो यूआरएल, ठीक है पहले चेक कर लो, देखो मेरी आएगी नहीं आई, पहले देख लो, मेरी देख लो, आ गई, चलो अब कंटेंट चेंज कर लो, ये सब लोग पूरा कंटेंट चेंज कर लो, यहाँ पे हेडिंग आ जाएगी, बाकी लोग भी करते जाओ बाकी लोग भी करते जाएं। टाइटल जी लिखा है ना यहाँ पे, यहाँ पे डेट आ जाएगी, जी लिखा है ना यहाँ पे, नीचे लिखा है ना, पी में लिखा है ना, यहाँ पे डेट आ जाएगी, जी सब हटा दो, लिखा हुआ अंदर का, जी थाम छाम, हाँ सब हटा दो, हटा दो, पी लगा दो अकेला, ये सब हटा दो हाँ पी पी रहने दो अंदर, यहाँ पे लोगों परसेंट इक्वल लगाया था हमने, क्रेडिट वो लगाया था हमने, टाइम एस पे हम लिख दो, यहाँ पे ऐसे लिखो, बताता हूँ देखो, आइटम डॉट क्या था, क्रिएटेड एड, देखो वहां बन गया, देखो नहीं टाइम स्पेम अकेला नहीं आएगा, वहां पर जाकर टाइम स्पेम नहीं आता, देखो वहां पर जाकर देखो क्या बना था, मोंगो डीबी खोलो मोंगो डीबी खोलने, मोंगो डीबी मोंगो नहीं, डेटा बेस आके देखो, वो कंपास ओपन करो, कंपास कंपास तो ओपन करो, कंपास तो ओपन करो, देखो क्या बनता है, कॉलम क्या बनता है, देखो कंपास ओपन करके चेक करो क्या बनाता कॉलम, देखो तो बना ना क्रिएटेड एड अपडेटेड, जब हम टाइम स्पेम हम यूज करते हैं ना, तो इससे दो कॉलम बनते हैं, एक कॉलम बनता है क्रिएटेड एड, एक बनता है अपडेटेड एड,
अगर आप आपने ये कंटेंट कब अपडेट किया उसका डेट टाइम आता है। ठीक है सब लोग, जब अपन टाइम स्टैम्प यूज करते हैं तो दो कॉलम बाय डिफॉल्ट बनते हैं, क्रिएटेड एड और अपडेटेड एड। तो आप लिखेंगे क्रिएटेड एड, लिखो बगल में इसके। अब इसके आगे एक चीज लगा लो, अभी डेट सही नहीं आएगी, पहले पहले दिखा देता हूँ डेट कैसी आती है पहले, तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है चलो इसको बंद कर लो पहले। हाँ अब वही पैराग्राफ लगा दो, डिस्क्रिप्शन। जी डिस्क्रिप्शन, ऊपर वाला को डिस्क्रिप्शन लगा दो, बाकी लोग भी करो साथ साथ में। मैं दो क्यों दिखा रहा है जी? दो ही आंसर, एक डिलीट कर दिया सर, एक भी डिलीट किया मैंने। एक काम करो, आ गया। अब एक काम करो, अब सही डालो, डिस्क्रिप्शन भी खूब अच्छा से डालो। जाओ बैकएंड में, जाओ बैकएंड में, जाओ डिस्क्रिप्शन है अच्छे से डालो इसका। बैकएंड ओपन करो पैनल का, और डिस्क्रिप्शन है अच्छा, मतलब तीन ब्लॉक सबको सही से डालो ने, इमेज डिस्क्रिप्शन टाइटल ने। तो फिर और चीज़ बताता हूँ फ्रंट पे, डिस्क्रिप्शन थोड़ा खूब खूब सारा डालो, खूब सारा ऐसा नहीं, खूब सारा डालो बैकएंड से, खूब सारा डिस्क्रिप्शन ऐड करो। हाँ इतना पूरा ले लो, जितना लेना उतना ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखते नहीं ब्लॉग वाली वेबसाइट कैसी होती है, इसमें खूब सारा डिस्क्रिप्शन होता है। करो इंसर्ट करो, बाकी सब हटा दो ब्लॉग। बाकी सारे ब्लॉक हटा देना, डिलीट कर दो उन सबको। हाँ अपडेट कर दो, अपडेट करना चाहो अपडेट कर देते, या डिलीट कर दो, चलो नहीं डाल देना, झंझट खत्म हो। हाँ अपडेट करना चाहो अपडेट कर लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। संगे संगे इमेज को भी करो, अभी अभी एक एरर देगा वो एरर देगा, वो इमेज को साथ में लेकर चलना। अभी देखो एरर आ गई होगी इसमें, अभी बैक करो, अभी ये ठीक करना है, यहाँ पे कंडीशन लगानी है, वो मैं आप लोगों से लगवाऊंगा अभी। अभी तुम डिलीट कर दो, अभी तुम डिलीट कर दो, सही से डाल लो, फिर एक टास्क देना है इसमें तुम लोगों को। तीन ब्लॉक में कंटेंट डिस्क्रिप्शन अच्छे से सब डालो, बढ़िया तरीके से सब लोग। हाँ अभी एक ही किया, तीन डली कर लो, तीन कर लो, दो और ऐड कर लो, दो और तीन तो कम से कम रखो तीन। सब यहाँ पे देखो तीन कंटेंट आपको दिख रहे हैं टेढ़े मेढ़े से। पहले तो क्या करना है कि आपको इमेज की एक बिट हाइट सेट कर लेना, आपको अपने ब्लॉग की जो बिट हाइट रखनी है ना वो बाय डिफॉल्ट सेट कर देना, जिससे जब भी कोई आप इमेज इंसर्ट करोगे तो वो उतनी बिट हाइट दिखेगी यहाँ पर फ्रंट पे। ठीक है, अब दूसरा आता है कि डिस्क्रिप्शन कितना ज़्यादा आ रहा है, हमें डिस्क्रिप्शन चाहिए बहुत कम, क्योंकि रीड मोड पे दिखाना है ना, मैं ज़्यादा डिस्क्रिप्शन हमें रीड मोड पे दिखाना है ज़्यादा डिस्क्रिप्शन। और दूसरा डेट टाइम देखो सही नहीं आ रहा है ना, ये तीन चीज़ हम सही करते हैं, क्योंकि जो डिटेल में है ना, डिटेल देख रही डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, होम पेज पर तो हम दिखाएंगे दो या तीन लाइन है, जब बंदा रीड मोड पर क्लिक करेगा ना तब बहुत ज़्यादा दिखेगा। ठीक है ना, अब रीड मोड वाला पेज भी तो बनेगा ना अभी। चलो तो अब आओ कोड में, अब इसको ठीक करते हैं, कोड में आओ। तो पहले अपन डेट से ही करते हैं, डेट है ना, तो उसके आगे लिखो टू लोकल, टू टू लगाओ डॉट के बाद, डॉट लगाओ पहले डॉट, हाँ टू अपने पास जाएगा, लोकल एल कैपिटल, लोकल डेट स्ट्रिंग, लोकल डेट का डी कैपिटल, एस का एस कैपिटल स्ट्रिंग, और फंक्शन का साइन सेव कर दो, चेक करो। पांच ना चेक करना, क्या लगा टू एल ओ सी ई एल डेट एस टी आर आई एन स्ट्रिंग सही लिखा है? सर टू टू का टी कैपिटल तो नहीं आएगा? नहीं, स्मॉल ही आएगा, मैं दे रहा हूँ चैट में देखना ना।
चैट में दे दिया लिखा था एल के बाद ही आएगा लोकल में हैं सर लोकल में एल के बाद ही आएगा अच्छा हाँ ई आएगा देखो डेट सही हो गई दिख रहा है अब डिस्क्रिप्शन सही करना है पहले तो इमेज सही कर लो इमेज की बजट सेट कर लो 400-400 कर लो चाहे 300-300 कर लो इसी में दे दो क्लास लगवाए थर्ड सेट कर लो उसकी फिक्स लगाने जरूरत नहीं पड़ती है ठीक है हाइट सेट कर दो 400 ठीक है 400 हाइट भी 400 कर दो पिक्सल डालो पिक्सल में लगाओ सेव करो ठीक है छोड़ हाइट छोड़ वो कम कर दो 300 कर दो 300 और हाइट भी कम कर दो देखें अब ठीक है चलो अब बात करते हैं डिस्क्रिप्शन की ठीक है तो चलो इसके लिए भी काम करते हैं कोड में लगाओ सिखाया था ना आप लोगों को जावास्क्रिप्ट में स्लाइस तो लगाओ डिस्क्रिप्शन डॉट स्लाइस फंक्शन का साइन 0 to 0.0, 90 देखो इसका कितना आ रहा है चेक करो ठीक है 100 कर लो 100 जिससे बराबर आ जाए बटन 3-3 ले लो थोड़ा बढ़ा लो वो सेट इतना ज़्यादा कंटेंट हो गया थोड़ा सा अब वो सेट कर लेना अपने अकॉर्डिंग है ना अपने अकॉर्डिंग कंटेंट सेट कर लेना चलो आप नोट करो इतना वो अपने अकॉर्डिंग बाद में सेट कर लेना इमेज सब सेट हो जाएंगे ना वो सही आ जाएगा नोट करो सब लोग इतना नोट कर लो सब लोग कंट्रोलर दिखाना भैया चलो आ जाओ बटन पे आना बटन दिखाऊंगा वेबसाइट पे अब क्या होगा कि जब मैं इस रीड मोड पे क्लिक करूंगा ना तब एक दूसरा पेज खुलेगा है ना उस पेज पे बड़ी सी फोटो आएगी इसकी और डिस्क्रिप्शन पूरा आ जाएगा ठीक है ना होता है ना देखा होगा आपने न्यूज़ की वेबसाइट होती है रीड मोड पे क्लिक करते हैं वो सारी चीज़ आती है ना तो अब क्या होगा बैक करो तो बात ये है कि मैं जिसके रीड मोड पे क्लिक करूँगा उसी का डेटा उठ के आएगा ना है ना जिसके ब्लॉक पर आप रीड मोड पर क्लिक करोगे तो वही सेम काम कौन सा होने वाला है यहाँ पे व्यू वाला कौन सा काम होगा सेम व्यू वाला होगा ना रीड मोड पे हम आईडी शो कराएंगे फिर उस आईडी को गेट करेंगे उस आईडी की मदद से उस स्टूडेंट का डेटा गेट करें यहाँ पर शो करा देंगे ठीक है क्या काम करना है बटन पे माउस लेके जाएंगे तो सबसे पहले आईडी आनी चाहिए बटन पे क्लिक करेंगे तो राउट के पास आईडी जाएगी उस आईडी को अपने मेथड के अंदर गेट करेंगे और फिर डेटा शो कराएंगे है ना तो चलो करते हैं आ जाओ रीड मोड पे आ जाओ हाँ तो लगा भाई लगाते हैं ना भाई क्यों कौन सा पेज है डिटेल पेज देखो ब्लॉग डिटेल सिंपल लिख दो ब्लॉग डिटेल है ना वही लगाते हैं ना स्लैश
भाई लेस देन परसेंट आइडियल सो करा लो और आगे भी लगा देना उसके स्लैश आइटम डॉट अंडरस्कोर आईडी और बंद कर लो और आगे भी लगा दो ब्लॉक के आगे स्लैश ब्लॉक के आगे लगाना है। हाँ यहाँ पे एरर देगा, बाकी लोग लिख लो उसको। अब जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो राउट बनेगा, मेथड का बनेगा, फ्रंट एंड भी मेथड बनेगा, मेथड भी कहाँ बनेगा, फ्रंट एंड कंट्रोल भी बनेगा, ठीक है ना। लिख लिया सामने एच आर ई एफ के अंदर, ब्लॉक डिटेल स्लैश आईडी वाला है ना। चलो अब मेथड पे चलो, कर राउट पे चलो, राउट पे आ जाओ, राउट पे आ जाओ, चलो फ्रंट में चलाओ, फ्रंट में चलो, फ्रंट एंड के अंदर ही। हाँ ये नीचे बनाओ इसके, ऐप डॉट गेट भाई स्लैश भी लगाओ, सेम जो व्यू वाला काम होता है सिंपल, सिंगल कोट के अंदर ब्लॉग डिटेल स्लैश कोलन आईडी, देखो ब्लॉग डिटेल, नेट स्लो हो गया क्या उसका भाई, ब्लॉग में स्पेल गलत है, वो ब्लॉड हो गया है, ब्लॉग डिटेल। अब फ्रंट कंट्रोलर, फ्रंट कंट्रोलर डॉट ब्लॉग डिटेल, आगे भी ब्लॉक बनाओ, ब्लॉक डिटेल सही लिखो, डिटेल सही लिखा नहीं हुई लाइन नंबर 38 पे। हाँ अंदर सब राउट दिखा दो, इनको दिखा दो पहले, इनको दिखा दो राउट, सब राउट ना ले अली से, गया। चलो अब मेथड, चलो मेथड पे आ जाओ, चलो कहाँ किसके नाम देखो तो, देखो किसके नाम देखो तो, कर्ली बैकेज नीचे लगाओ ना, सबसे लास्ट में ना लो, सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में कर लो, यहीं कर लो, सो नीचे चलो, इससे कन्फ्यूजन आया, आ सिंक लगा के ना भाई, सेम बिलो डिटेल इक्वल आ सिंक फंक्शन को साइन आर ई क्यू कॉमा आर ई एस, बाहर 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 निकालना होता है, सही करो उसको, चलो करो ट्राई, कैच लगा लो ऊपर डिस्प्ले वाले में भी, होम पे भी ट्राई कैच लगा लेना है ना, बाद में ऊपर वाले भी ट्राई कैच लगा लेना, डिस्प्ले किया था मैं तो, उसमें ट्राई कैच बाद में लगा लेना आप लोग,
हाँ भाई सेम आ रही क्यों परम्स डॉट आईडी और कंसोल में चेक कर लो पहले आईडी आ रही कि नहीं आ रही। लिखो उसमें अंदर ब्लॉक डिटेल सिंपल उसमें लिख दो ब्लॉक डिटेल और लगा दो कर्ली ब्रैकेट्स में कुछ भी लिख दो आर डॉट रिजल्ट जो तुम्हें लिखना हो। हाँ जो तुम्हें लिखना हो वैसे जो अपना मन करे सॉल्व ले लो आर डॉट रिजल्ट कोलन रिजल्ट बस ठीक है चलो बाकी लोग देखो मेथड सबको आता है पहले तो वैसे ही बना लो फाइल एक ब्लॉक डिटेल नाम की एडमिन के अंदर नहीं एडमिन थ्रू बनेगी व्यूज के अंदर बनेगी फाइल एक व्यूज फोल्डर के अंदर बनेगी फाइल एक ब्लॉक डिटेल नाम से ब्लॉक डिटेल डॉट ईजीएस यहाँ पे इंक्लूड कर लो एडो फोटर पहले इतना चेक कर लो सुनो पहले इतना चेक कर लो कि बटन में क्लिक करने पे इस पेज पे आ भी रहे कि नहीं आ रहे हो है ना क्लिक करो रीड मोर पे ठीक है अब डेटा दिखा दो ऐसे ही फिर इनको तो नोट करा देना उसके अंदर लगा लो सिंपलाइज करा लो H1 में कंसोल में भी देखो आ गया ना अभी सिंपलाइज करा दो H1 में फिर अपन उस पर मैं काम करवाऊंगा अगली क्लास में सिंपल H1 के अंदर बस एक सो करा दो नाम उसका बस टाइटल गिरा बाकी फिर अगली क्लास में मैं डिजाइन दूंगा ना इसका डिजाइन तब उसमें सेट करना भाई परसेंट लेस देन परसेंट लगाओ वॉइस तो लगेगा सिंगल डेटा है ना लेस देन परसेंट इक्वल इक्वल आर कोलन आर डॉट टाइटल टाइटल है ना डॉट 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 आर डॉट टाइटल डॉट आएगा बस चेक कर लो देखो डेटा डॉट क्या आ गया फिर इनको दिखा दो डिजाइन अपना अगली हम सेट करवाएंगे इनको मेथड दिखा दो मेथड दिखा दो पहले उनको मेथड सभी मेथड देख लें